एक बार की बात है, एक गुरु अपने शिष्य समुदाय के साथ बैठे हुए थे। शिष्य उन्हें घोर करके बैठे हुए थे। गुरु ने अचानक शिष्यों से पूछ लिया कि शिष्यों जरा ये तो बताओ, एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है, उसका समाधान मुझे आज शिष्यों से चाहिए। मैं तो हमेशा तुम्हारे प्रश्नों का समाधान करता हूं, आज तुम मेरे प्रश्न का समाधान करो। शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव आदेश करें, हमारे पास इतना ज्ञान तो नहीं है कि आपके प्रश्नों का समाधान कर सकें, लेकिन फिर भी गुरु आज्ञा है, गुरु कृपा है, आदेश करिए। गुरु ने कहा एक बात तो बताओ, दो धातु इस संसार में है, एक चांदी है और एक लोहा है, बताओ तो जरा कि लोहा मूल्यवान होता है या चांदी मूल्यवान होता है। बहुत से शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव ये तो बच्चों जैसी बातें हैं, चांदी बहुत मूल्यवान होती है, लोहा मूल्यवान नहीं हुआ करता है। लेकिन एक शिष्य वहां पर बैठा हुआ था, उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव चांदी मूल्यवान नहीं होती, मूल्यवान तो लोहा हुआ करता है, लोहे से ज्यादा कीमती और क्या होगा। सब शिष्य हंसने लगे कि पागल है, लोहे को मूल्यवान बता रहा है। उस शिष्य ने कहा पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। एक बात याद रखना, चांदी हमेशा जीवन भर चांदी ही रहा करती है। चांदी कितनी ही मूल्यवान हो जाए, वह चांदी के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकती है। लेकिन लोहे को कभी देखना, लोहे को समझना, यदि लोहे को किसी पारस पत्थर का संयोग मिल जाए तो लोहा सोना बन जाता है, वह चांदी से ज्यादा मूल्यवान हो जाया करता है। इसलिए मैंने कहा कि लोहा ज्यादा मूल्यवान हुआ करता है। गुरुदेव हम सब शिष्य आपके लोहे के समान हैं और आप हमें पारस मणि के समान मिले हैं, आपका स्पर्श पाकर हम सब सोने जैसे, कंचन जैसे चमकदार और कीमती हो जाएंगे। गुरु ध्यान रखना, बहुत प्रसन्न हुए वह गुरु यह उत्तर सुनकर के कि जो कोई वर्तमान में है, लेकिन इस बच्चे ने बहुत आगे का सोचा कि लोहा सोना बन सकता है, हर व्यक्ति भगवान बन सकता है। तुम गुरु पर ध्यान दो, गुरु तुम्हें ज्ञान देगा। तुम गुरु पर ध्यान दो, गुरु तुम्हें ज्ञान देगा। तुम गुरु को सम्मान दो, गुरु तुम्हें उड़ान देगा। जिसके मन में गुरु के प्रति सम्मान होता है, उसके कदमों में दुनिया का पूरी जहान होता है। गुरु के प्रति सम्मान, गुरु के प्रति भक्ति हर व्यक्ति के हृदय में जागृत होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना कि चांदी जैसे चमकदार मूल्यवान बनने से कोई महत्वपूर्ण जीवन हमारा नहीं हो जाता है। ग्रस्त जो होता है चांदी की तरह होता है, शिष्य जो होता है वह लोहे की तरह होता है, और एक दिन सोना बन करके निखर जाया करता है।